हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीजीएस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, टुडे इज योर नेक्स्ट वर्क इज इंग्लिश सॉन्ग। ओके, सो नाउ लुक हियर। आउट इन द गार्डन, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, विथ माय बॉल आई वेंट टू प्ले। आई बाउंस्ड इट राइट, आई बाउंस्ड इट लेफ्ट, I bounced it well on one fine day. Out in the garden each fine day, with my kite I went to play. I flew it right, I flew it left, I flew it high on one fine day. Now repeat this song one more time. Out in the garden each fine day, with my ball I went to play. I bounced it right, I bounced it left, I bounced it well on one fine day. Out in the garden each fine day, with my kite I went to play. I flew it right, I flew it left, I flew it high on one fine day. Student, learn this song in your English reading book, page number 55. Okay? Student, your next topic is yes or no. Open your English reading book, page number 56. Yes or no. देखिए, yes or no क्या होता है? Yes means होता है हाँ, and no means होता है ना। जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है या कुछ भी, जैसे हम आपसे कुछ भी, जैसे लुक एट दिस, दिस इज़ अ पेंसिल, तो अगर ये है तो आप यस बोलेंगे, अगर ये नहीं है तो नो बोलेंगे। तो ये पेंसिल है तो यस इट इज़, ठीक है। अगर हम ये बोले इज दिस अ पेन, नो इट इज़ नॉट अ पेन, इट इज़ अ पेंसिल, ठीक है। आपको हाँ और नहीं में आंसर करना है। लेकिन जब कोई चीज़ हमारी पॉजिटिव में होती, मीन्स यस होती है, तो यस, जैसे अगर हमने बोला ये पेंसिल है, हाँ ये है, ठीक है। लेकिन अगर ये निगेटिव हो, मीन्स कि अगर मैं ये बोलूँ ये पेन है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये पेन नहीं है, ये पेंसिल है। थोड़ा सा सेंटेंस कैसा हो जाता है? लॉन्ग हो जाता है। और जब यस होता है तो यस इट इज़, हाँ ये है, तो छोटा सा आंसर देना होता है। तो यहाँ पर आपको यस और नो में आंसर राइट करना है। जैसे नाउ लुक हियर, व्हाट इज़ दिस, इज दिस एन एप्पल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ये एक सेब है? तो हाँ ये है, तो यस इट इज़, हाँ ये है। लेकिन अगर ये पूछा जाए इज दिस अ मैंगो, क्या ये एक मैंगो है? तो अब हमें नहीं में आंसर करना है। नो इट इज़ नॉट, नहीं ये नहीं है, इट इज़ एन एप्पल, ये एप्पल है। मीन्स हमें नहीं भी आंसर करना है एंड ये भी बताना है कि वो रियल में चीज़ है क्या, ठीक है। तो यस का जो आंसर होता है बहुत शॉर्ट होता है, यस इट इज़, हाँ है ये। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं, ये एप्पल नहीं है, इट इज़ एन, नहीं मैंगो नहीं है, इट इज़ एन एप्पल, ये एक एप्पल है। तो हमें टू लाइन्स में आंसर देना होता है। नाउ नेक्स्ट, इज दिस अ पेंसिल, क्या ये पेंसिल है? यस दिस इट इज़, हाँ ये है। बट इज दिस अ बुक, क्या ये बुक है? नो इट इज़ नॉट, नहीं ये नहीं है, इट इज़ अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है। नाउ नेक्स्ट, इज दिस अ कप, क्या ये कप है? यस इट इज़, हाँ ये है। लेकिन अगर नहीं है तो इज दिस अ मग, क्या ये एक मग है? नो इट इज़ नॉट, इट इज़ अ कप, नहीं ये मग नहीं है, ये एक कप है। नाउ नेक्स्ट, इज दिस अ कैट, कैट, क्या ये कैट है? यस इट इज़, हाँ ये कैट है। लेकिन अब इसका निगेटिव हो तो इज दिस अ डॉग, नो इट इज़ नॉट अ, इट इज़ नॉट, नहीं ये नहीं है, इट इज़ अ कैट, यह एक कैट है। लाइक दिस आपको यहाँ पे इन सेंटेंसेस के आंसर देने हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी राइट वर्ड्स, आपको यहाँ पे राइट वर्ड करना है। इज दिस अ कैट, क्या ये कैट है? तो यस, हाँ ये है, इट इज़ अ कैट, हाँ ये एक कैट है। लेकिन इज दिस अ डॉग, क्या ये एक डॉग है? नाउ लुक एट दिस पिक्चर, क्या ये डॉग है? तो नो इट इज़ नॉट, इट इज़ अ लॉयन, तो नो इट इज़ नॉट, इट इज़ अ लॉयन। नाउ नेक्स्ट इज दिस अ काइट, क्या ये काइट है? तो यस,
इट इज़ अ काइट, हाँ ये काइट है। फिर इज दिस अ कार, नाउ लुक हियर, क्या ये कार है, तो नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट, नहीं ये नहीं है। इट इज़ अ टेडी बियर, इट इज़ अ टेडी बियर, ये एक टेडी बियर है, कार नहीं है, तो हमें इसका आंसर नो में करना है। इज दिस अ टाइगर, क्या ये एक टाइगर है, तो हाँ ये पिक्चर तो हमारा टाइगर का ही है, तो यस इट इज अ टाइगर। बट नेक्स्ट, इज दिस अ टेबल, क्या ये एक टेबल है, तो नो इट इज नॉट अ टेबल, इट इज अ चेयर, तो नो इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज अ चेयर, नहीं ये नहीं है, ये एक क्या है, चेयर है। इज दिस अ बुक, क्या ये एक बुक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाँ ये बुक है क्योंकि यहाँ पे पिक्चर है हमारा, तो यस इट इज अ बुक। ओके, तो आपको यहाँ पर यस और नो में आंसर्स देने हैं। सो कंप्लीट दिस पेज, पेज नंबर 57। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।